हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा बॉम्बे कराची हलवा बनाने का बहुत ही आसान तरीका, और मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक आप बने रहिएगा और बहुत ही परफेक्ट आप बना के तैयार कर सकते हैं घर पर। और दोस्तों, अगर रेसिपी अच्छा लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने एक कप कॉर्नफ्लावर लिया है करीब 100 ग्राम। तो इसमें हम डाल देते हैं 2.5 कप पानी। तो जिस कप में मैंने लिया था कॉर्नफ्लावर, उसी कप में हमने 2.5 कप पानी ऐड कर दिया है इसमें। तो चलिए अच्छा से इसे मिक्स कर लेते हैं। पानी डालने के बाद थोड़ा सा ये बैठ जाता है नीचे, तो आराम से आपको इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है। सिंपल है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिया है, तो इसमें मैं डाल देता हूँ 1.5 कप चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो यहाँ पर 2 कप ले सकते हैं, अगर कम है तो आप 1 कप में भी बना सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 2 कप पानी। तो 1.5 कप चीनी के लिए मैंने 2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो जिस कप में हमने चीनी लिया था, उसी कप में हमको पानी दे देना है। तो चलिए चीनी को अच्छे से मिला लेते हैं, और कम से कम आपको 5 मिनट तक इसे बॉईल करना है। इसमें कोई चाशनी नहीं बनाना है, फिर भी आपको 5 मिनट तक इसे थोड़ा सा बॉईल करना है मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के आसपास हो चुका है। तभी चलिए, जो हमने कॉर्नफ्लावर घोल बना के रखे थे ना, इसे आपको हल्का हल्का डालते हुए मिक्स करना है, और गैस का फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है, और कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। आपको रुकना नहीं है, बस इसे कंटिन्यू इसे चलाते रहिएगा। अगर आप बीच में रुक जाएंगे या एक ही साथ आप डाल देंगे, तो इसमें क्या होता है कि गुठलियाँ बन जाता है। तो आपको थोड़ा सा स्पीड करके इसे घुमाते हुए आपको मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम आपको मीडियम और लो पे रखना है। अगर हाई में रखेंगे तो बहुत जल्दी ये गुठलियाँ बनने का चांसेस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। तो यहाँ पर अभी घी ऐड करते हैं। तो गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर लो रखा है, और 2 बड़े चम्मच घी मैंने ऐड कर दिया है। तो घी एक ही साथ मैंने ऐड नहीं किया है, तो फ्रीक्वेंटली मैंने 3 बार घी ऐड किया है। तो जैसे 2 बड़े चम्मच अभी ऐड किया है, और इसे अच्छा से चलाया मैंने। फिर इसके साथ हम थोड़ा सा फूड कलर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप सैफ्रन यानी कि केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो केसर को क्या करना है, पहले थोड़ा सा गर्म पानी में आपको डाल के थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद उस पानी को आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। तो गैस का आंच आपको धीमी रखना है, और बीच बीच में थोड़ा सा आपको घी डालते हुए मिक्स करना है। तो बढ़िया सा हमको कंसिस्टेंसी चाहिए हलवा का। तो अगर 20-25 मिनट में हमारा परफेक्ट हलवा बनके तैयार हो जाएगा, और उससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो हलवा क्या होता है कि थोड़ा सा स्टिकी जैसा बन जाता है। तो खाने में इतना अच्छा नहीं लगता जैसे कि बाज़ार में मिलता है। तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे, तो इसलिए हमको 20 मिनट तक इसे कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1/4 कप घी लिया था, तो जो कि 5 से 6 बड़े चम्मच, तो सारे मैंने ऐड कर लिया है इसमें, और फ्रिक्वेंटली ऐड किया है मैंने 3-4 बार करके। तो यहाँ पर कुछ मैंने ड्राई नट्स भी ऐड कर देता हूँ, जो भी आपका पसंद है तो आप इसे काट के डाल सकते हैं। पिस्ता वगैरह, काजू और आलमंड बादाम, जो भी आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, गैस का फ्लेम जो है एकदम धीमी आंच में होना चाहिए। तो चलिए हम और 5-7 मिनट हम पका लेते हैं। आपको बस मिक्स करते रहना है, कुछ नहीं। अगर घी का ज़रूरत है तो आप 1 और 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। तो घर के लिए हम बना रही है, तो इसलिए थोड़ा सा कम घी इस्तेमाल हमने किया है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 20 से 22 मिनट इसे पका लिया है, और बढ़िया सा हलवा कंसिस्टेंसी आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म हम इसे हलवा शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर आप प्लेट भी ले सकते हैं, कांच का कोई भी बॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पर केक बनाने वाले जो मोल्ड होता है ना, तो वो मैंने लिया है। तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा घी आपको अप्लाई कर लेना है, तो फिर बाद में आपको इसे डाल देना है। और बड़ी आराम से देखिए, हमने इसे डाल दिया है, और थोड़ा सा प्रेस करके आपको लेबल कर लेना है, ताकि अच्छा से सेट हो जाए। क्योंकि अभी गर्म है, तो आप इसे प्रेस करके थोड़ा सा लेबल कर सकते हैं, तो बढ़िया सा सेट हो जाएगा, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा, बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा। और फाइनली इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्राई नट और भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा डेकोरेशन के लिए, और देखने में भी और खाने के लिए भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तभी गर्म है तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के लिए कम से कम 1/2 घंटे और 45 मिनट लगेगा। और जैसे ही ठंडा हो जाए, तो फिर इसे प्लेट रख के इसे पलट देना है। और देखिए, बड़ी आसानी से ये निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा हलवा जो है सेट हो चुका है। बस इसे आपका मनपसंद के हिसाब से आप कट कर लीजिए और खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और सिंपल सा रेसिपी है, जैसे मैंने बोला वैसे आप फॉलो करके घर में आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये बॉम्बे कराची हलवा बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने बड़ी आसानी से इसे काट लिया है। तो देखने में देखिए कितना खूबसूरत और बढ़िया लग रहा है, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए, सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने बोला वैसे आपको पकाना है, कम से कम 20 मिनट तक इसे कुक करना है एकदम धीमी आंच पर।
और बढ़िया सा आपका हलवा बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपको स्टिकी कंसिस्टेंसी चाहिए जैसे कि मार्केट में मिलता है ना, तो आपको 40 से 45 मिनट आपको पकाना है, तभी आपको इसे एक स्टिकी कंसिस्टेंसी मिलेगा। तो देखिए हमारा हलवा कितना सॉफ्ट बना है और मज़ेदार बनके तैयार हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिए सेम मेथड में। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आज का रेसिपी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर रेसिपी अच्छा लगा हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।